का विषय निस्तारित किया, जो कमेटी बनाई वो हुआ, और नियामक आयोग में जो 2 साल में चूंकि वो अपील लगनी ही होती है, याचिका लगानी ही होती है, उसका भी टर्म पूरा हुआ था। मनीष जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे जी। 5.5 महीने पहले रेट्स बढ़ाई गई थी और तब से ही इसका विरोध चल रहा है, ऐसा तो नहीं विधानसभा सत्र को भापते हुए सरकार में कुछ डर है इस बात को लेकर के कि अंदर और बाहर दोनों ही जगह हमारा विरोध होगा, और विधानसभा सत्र की वजह से ही जो किसान आंदोलन की राह पर थे वो लोग भी अब और ज्यादा सक्रिय हुए, लगातार ये लोग ज्यादा विरोध करते हैं, प्रतिपक्ष के हाथ में एक नया मुद्दा मिल जाता, ये तो वजह नहीं है? सरकार को और ज्यादा ठीक इसमें लगता कि अगर इससे पहले चले जाते तो क्या विधानसभा सत्र का इंतजार किया जा रहा था? इसका मतलब ये रेट स्टैंड तो करेंगे आज नहीं तो कल होंगी। नहीं, ये बात नहीं है योगेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि बिजली की दरों में वृद्धि करना मजबूरी हुई, विद्युत नियामक आयोग के आधार पर यह फैसला हुआ, डिस्कॉम को लगा कि हम तो इससे एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, और आपने देखा है कि केवल किसानों के बारे में वृद्धि वापस ली है, बाकी जगह वृद्धि बरकरार है। तो अगर आंदोलन का डर होता तो ये कांग्रेस पार्टी बाकी लोगों के लिए आंदोलन नहीं करेगी। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ, सीकर से तो ये आगाज कर रहे हैं, सीकर बना मतलब जो भी सब जगह पूरे राजस्थान किसानों में खड़ा की करेंगे लोग, किसानों की विद्युत की बात कर रहे हैं, जो आम उपभोक्ता शहरी उपभोक्ता जो भी घरेलू कनेक्शन है उनमें भी तो वृद्धि हुई है। हाँ। तो अगर कांग्रेस को लगता है कि हमारे आंदोलन से हो तो इस विषय पर आंदोलन करके फिर भी कर सकते हैं ये, तो ये बात तो बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि किसानों की जेन्युइन राहत देनी जरूरी थी, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दूरंदेशी वाला फैसला किया, हितों को ध्यान में रख के किया, जिसकी सब जगह सराहना हो रही है। देखिए योगेंद्र जी, जो मनीष जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपराध बोध से ग्रसित है, 85,000 करोड़ का कर्जा हम इनको दे के गए थे, आपने 3.25 साल बाद आप वही राग अलाप रहे हो कांग्रेस की जो सरकार थी उसके, आपने उसके अंदर जो कर्जा था उसमें बढ़ोतरी की लगातार, जबकि आपने रेटें भी बढ़ाई कांग्रेस ने 5 साल में, आप यहां बैठ के झूठ बोल रहे हो, कांग्रेस ने एक नया पैसा किसान की दर 5 साल में नहीं बढ़ाई थी, जो कमिटमेंट था हमारा उस कमिटमेंट पे हम खड़े उतरे थे, आपकी सरकार ने आते ही फैसला किया कि जो 1 लाख रुपए का ऋण किसान को बिना ब्याज के कांग्रेस सरकार दे रही थी आपने आते ही पहले उसको बंद किया, ये किसान के हित में बहुत बड़ा फैसला था आपका। उसके बाद जब आप करेंगे किसान को क्या दिया, हमारी जब यूपीए की सरकार थी 70,000 करोड़ के कर्जे, जो किसान आर्थिक रूप से टूट चुका था उस किसान को राहत देने के लिए सरकार ने फैसला लिया, कांग्रेस ने फैसला लिया 70,000 करोड़ के कर्जे माफ किए। आज देश की और प्रदेश की हालत किसान की जो हो रही है वो सबके सामने है, आप इसको ये कहें कि कहीं दबाव में फैसला नहीं लिया, जब 5.5 महीने पहले आपने धरे लागू की थी पूरे राजस्थान में विरोध हो रहा था, आपको ये फैसला उस समय लेना चाहिए था। योगेंद्र जी ने आपने बिल्कुल सही कहा कि विधानसभा का सत्र सामने है और निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर पूरे राजस्थान का किसान आने वाला था, आप उस डर और अपराध बोध से कि ये फैसला गलत हो गया है, और जो आपके इंटरनल आपके जनप्रतिनिधि है चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उन्होंने जब ये कहा कि ये फैसला बहुत गलत है, हमारा गांव में घुसना मुश्किल हो गया है, जीएसएस के ऊपर भयंकर तरीके से किसान आक्रोश कर रहा है, बैठा हुआ है धरने देके, तब जाके मजबूरी में लिया हुआ फैसला है, ये कोई किसान के ऊपर उदारतापूर्ण फैसला और बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला लिया हुआ नहीं है। चलिए महेश जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे होगा, ऐसा लगता है कि डिस्कॉम के अंदर अधिकारियों की भी अपनी एक मर्जी चलती है, बड़ी मोनोपोली है वहां पे, क्योंकि वहां रहने वाला हर अधिकारी वहां से जाना नहीं चाहता और अक्सर इस बात को लेकर के सवाल भी उठते हैं, वहां की ऑडिट कोई कराना नहीं चाहता। मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था बजट के अंदर ही कि हमारे की स्पेशल ऑडिट होगी, थर्ड पार्टी ऑडिट की बात कही थी कि स्टोर्स के ऋण की होगी, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, रेट बढ़ी थी सेप्टेम्बर में और नवम्बर 22 को भी पुष्पेंद्र सिंह जी के यहां से लेटर गया, तीसरा रिमाइंडर लेटर, जो एक्सेन ऑफिसेस के अंदर जो स्टोर बने हैं उनकी ऑडिट होनी चाहिए, एवरी ईयर 5,000 करोड़ का सामान खरीदा जाता है उसकी कोई ऑडिट नहीं है, आज तक कोई बताने को तैयार नहीं कि वो सामान कहां तो लग रहा है, कहां उनका डिस्पोजल हो रहा है, कहां पे, 3-3 रिमाइंडर जा चुके हैं, अधिकारियों के कानों पर जूनी रखती है, कई दौर की वार्ता चली है बिना मुख्यमंत्री के दखल के, मंत्री स्तर के अधिकारियों को तो गांठ में नहीं रहते अधिकारी। देखिए जहां तक है कि इन्होंने सरकार जो भी रही है, उन्होंने कहा कि ये जो नियामक बोर्ड जो बना रखा है हमने विद्युत का, तो उसको बिल्कुल स्वायत्त संस्था के रूप में उनको उसको डेवलप किया है, विकसित किया है, वो ही फैसला लेती है, और सरकार ने एक ये इसका गठन करके अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी
जो भी सरकारों ने बचाव का ही बहुत बड़ा तरीका निकाला है। वस्तु स्थिति ये है कि इन्होंने अभी तक मैनेजमेंट ही ठीक नहीं किया है। जी मैनेजमेंट गवर्नमेंट चाहे कोई सी भी हो, कंपनियां तो बना दी, मैनेजमेंट मैनेजमेंट में जैसे कि बिजली की चीजें का है, जितनी बिजली की चीजें को अगर ये रोक लें तो ये रेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा है कि जितना ये खरीद वगैरह में जो जिस तरह का जो अनियमितताएं वगैरह होती है, कई बार जो मतलब इसकी आवश्यकता हुई इसका ऑडिट किया जाए, तो ऑडिट करने का जब मानस बना लिया सरकार ने और जबकि ये घोषणा भी कर दी, तो फिर इसमें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई? तो ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी और अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए इस तरह के स्टेप लेती है जिसमें ऑडिट नहीं होना देना, और साथ साथ ही वो उस पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है जो चीजें के रोकने की बात है। तो ये एक कहा जाता है कि 24 घंटे हम स्वच्छ बिजली देंगे, ये करेंगे, ये सारी कुछ है, लेकिन ये एक घोषणाएं बन के रह जाती है कि जब तक आप प्रशासनिक रूप से कुशलतापूर्वक तरीके से जो आप अंजाम नहीं देंगे, ईमानदारी से मतलब क्या कहते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे की गई घोषणाओं का, तो हालात ऐसे बनते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो चलिए, बढ़ी हुई बिजली दरें वापस तो ले ली गई हैं, लेकिन सियासी रंग अभी तक कम नहीं होता दिखाई दे रहा है, और किसान बेशक खुश हैं, लेकिन किसानों का भी कहना है कि चलिए राहत की बात है कि 2016 के बाद की जो स्थितियां बनी हैं, कम से कम उससे तो विड्रॉ किया है सरकार ने, कुछ जगह राहत भी दी है, लेकिन कांग्रेस साफ कह रही है कि किसानों को जो राहत मिलनी चाहिए थी वो सरकार नहीं दे पाई है, उसके लिए भी आंदोलन जारी रहेगा। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। से मित्रता कर लें तो आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ, मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार, खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार। हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास से बढ़ो और जिंदगी वैसे जियो जैसा आपने सोचा है। शेयर मार्केट की चाल जानिए, रियल स्टेट और प्रॉपर्टी के हाल, सोना चांदी और कमोडिटी बाजार सीधे आप तक, हर बिजनेस की होगी हर बात, देखिए बिजनेस हलचल।
सिर्फ जन टीवी पर। जैसे ही डर आपके पास आकर आपको डराने की कोशिश करे, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में बढ़ी हुई बिजली दरों की वापसी। इसमें राजनीतिक रंग भी दिखाई दे रहा है, लेकिन किसानों के चेहरे पर खुशी है। सरकार 16,000 करोड़ रुपए 2 साल में विद्युत कंपनियों को देगी। घाटा पूर्ति करने के लिए करीब 500 करोड़ रुपए का घाटा हर महीने बताया जा रहा है। चलिए, मैं एक छोटा सा सवाल और है मेरा आपसे, यहाँ पे मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि ऑडिट वाली जो वजह है, ऑडिट नहीं हो पा रही है, यहाँ कुछ ऐसा है कि ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी है कि जैसे मैंने कहा कि मीटिंगों के दौर चल रहे हैं, एमएलए बैठे हुए बीजेपी के, मंत्री बैठे हुए हैं और किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, अधिकारी अपने उस पे अड़े हुए हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि किस चीज की स्वायत्ता, ये क्या चाह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी की मनमानी चाहते हैं स्वायत्ता की आड़ में, या मतलब एक आम जनता को बिजली, एक स्वच्छ बिजली देने में और सस्ती दरों पे उसको बिजली उपलब्ध कराने की बात की जाती है, ये चीज की तरफ नहीं देख करके, बल्कि ये स्वायत्ता की आड़ ये लेते हैं कि हमारे कार्य में कोई हस्तक्षेप न करे। क्यों नहीं करेंगे, जब ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, सब कुछ ये है, तो क्यों नहीं किया जाए इसमें। आप ये देखिए कि मंत्री तक का, मतलब ऊर्जा मंत्री की स्थिति ये है कि वह अफसर मानते नहीं। अब ऐसी जब हालात हो जाती है तो क्या किया जाए, क्या सोचना चाहिए। अब ये जो मैं जो पहले भी आपको ये बताया था मैंने कि अभी बिजली छीदत ये हुआ था कि बिजली छीदत को रोकने के लिए अधिकारी स्तर पे मतलब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी जी। क्या कर लिया, कितने लोगों को उसके पास कार्रवाई की गई है। स्थिति ये है कि छीदत मतलब अभी भी वो आपके 16-17% लगातार बनी हुई है। अब इस तरह से अब जब इन चीजों पर या तो जनता, इसमें ये मालूम है कि कुछ लोग बाग हैं जो इस तरह की जो आंकड़ा लगा के जो अभी भी मतलब कई जिलों में ये मतलब घुस नहीं पा रहे हैं, अधिकारी घुस नहीं पा रहे, प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनको पिटाई हो रही है, कोई जान से मारने की बातें हो जाती है, और उनको दल को जो बिजली पकड़ने वाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने फिर आप जो एकमात्र समाधान है कि बिजली की दर बढ़ा दो, तो मतलब आप जिसको सुविधा आप देना चाह रहे हैं उसी से सुविधा में लगे ना, उससे बोला आप श्रम के रूप में उसकी जेब ढीली कर रहे हो। ये जो सवाल, ये इसका जो किस परिवेक्ष जाते सवाल है कि इस जिस परिपेक्ष में ये जो बिजली दरें जो रोल बैक किया गया है इसमें, तो उसका मुख्य कारण ये नहीं है। मुख्य कारण ये है कि किसान वास्तव में न केवल बिजली की दरों से परेशान था, नोटबंदी के दौरान जो उसके उसको जो उसमें परेशानी का सामना करना पड़ा है, और खासकर खाद बिजली उसको बीज की जो उसको सप्लाई नहीं हुई समय पे, उसके पास पैसा नहीं था खरीदने के लिए, तो ये सारी जो दिक्कतें एकदम मतलब इतना ज्यादा समस्याओं का वो जी। तो मुझे लगता है कि क्योंकि विधानसभा सत्र सामने था और बीजेपी के जो एमएलए हैं उन्होंने मुलाकात की, सारे लोग यहाँ पर जुटे थे और किसान प्रतिनिधियों की बात उन्होंने जो रखी थी, शायद हो सकता है कि सरकार पर उसका प्रेशर ज्यादा है क्योंकि इतने लंबे समय से ये लोग आंदोलन कर रहे थे। रामपाल जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर ताल ठोक के कही कि बिजली इस दरों पे हम उपलब्ध कराएंगे, यानी कि बिल्कुल आधी रेट पे लेकर के आए, और जब उन्होंने कहा कि इसकी हकीकत ये है कि एक बहुत बड़ा कॉकस इस तरह का तैयार हो चुका है, ये काकस अगर नहीं टूटेगा तो बिजली दरों में किसी भी राज्य में कमी नहीं हो सकती, मनमानी तरीके से पैसे वसूले जाते हैं, रिलायंस को भी उसमें उन्होंने कोट किया था और एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी कहा था, लेकिन सरकार और पुलिस एसीबी वो थोड़ा सा एक उनका एक पॉलिटिकल ड्रामा हुआ या जो भी वजह रही, क्या वास्तव में अगर केजरीवाल कह रहे हैं तो सरकारों को इस पर गौर करना चाहिए कि वो किस रेशो में, किस तरह से, कौन सा उनके पास में परफॉर्मा है या कौन सा ऐसा समीकरण है उनके पास में जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, रेट्स नहीं बढ़ाने दे रहे। योगेंद्र जी, पूरा बिजली विभाग कुप्रबंधन और अप्रबंधन इनमें फंसा हुआ है, इसलिए वहां जंग लगी हुई है, ग्रीसिंग की जरूरत है, ग्रीसिंग कोई करता नहीं,
इसलिए चीजें 40% तक पहुंचती है और इसमें सरकारी तंत्र की जो गलतियां होती है उसका दंड भुगतने को ये बढ़ाते हैं दर है। तो आम आदमी जो सामान्य आदमी है उसको दंडित करते हैं ये, जबकि इनको ऑडिट खुद की करानी चाहिए। खुद की ऑडिट नहीं कराते योगेंद्र जी, आप जो बताते थे 3 बार उन्होंने लगातार लिख दिया, कई सरकार आई चली गई लेकिन इनका सामान का ऑडिट नहीं होता और सामान खरीद में जितने घोटाले हैं आज तक उजागर नहीं हुए ऑडिट नहीं होने से, तो थर्ड पार्टी ऑडिट क्यों नहीं। और अभी ये जो बात कही जा रही है कि भाई किसानों की तरफ से जो विरोध हुआ, यदि विरोध सरकार शुरू में सुन लेती तो इतना लंबा तो लड़ना पड़ता। और जो ये इश्यूज है, तो एक अच्छी बात ये लगी आज जो सरकार ने प्रेस नोट जारी किया है उसे बड़ी होशियारी से एक चीज लिखी, यानी जो हमारा किसानों का मुद्दा था पहले नंबर का उसको उन्होंने लिखा 12वें नंबर पर अंतिम, और जो बाकी मुद्दे हमारे थे, ऐसा नहीं हमारे मुद्दे बाकी नहीं थे, लेकिन बाकी मुद्दे हमारे नंबर 2, 3, 4, 5 के थे, तो क्रम बदल दिया उन्होंने, क्रम बदल दिया ये दिखाने के लिए कि देखो भाई बात नहीं, लेकिन राहत तो मिली आपको, राहत मिली जरूर, ये तो हमने इसलिए कहा कि राहत मिली, ये बात ठीक है, इसलिए किसान इस कारण से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। और सबसे बड़ी दिक्कत किसान को ये थी कि नोटबंदी के कारण जो उस पर मार पड़ी थी, किसान की जेब में बिल जमा कराने को पैसे ही नहीं थे, मूंग बेचना पड़े 5,000 के बजाय उसको 3600, बाजरा उसको बेचना पड़े 1300 की बजाय 1000 में, और उसके भी नकद पैसे नहीं, तो किसान ऐसे उसमें फंस गया था स्थिति में कि उसको लगा कि मैं करूं तो करूं क्या, यहाँ तो कंगाली में आटा गीला ये काम चलता है। लेकिन एक बार ये कहा जा सकता है एक बात कि किसानों को राहत मिली है, निश्चित रूप पूरी से अच्छी तरह से राहत मिली, जो उम्मीद आप लोग कर रहे थे वैसा हुआ है, निश्चित रूप से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कम से कम जन भावनाओं की तो सुने, ये लगा कि सरकार ने जन भावनाओं की। मनीष तारिक साहब, किसान नेता कह रहे हैं कि जनभावनाओं की सुनी है और किसानों की जो एक लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा था रोल बैक करने के लिए वो सफल हुआ, और आपको धन्यवाद दे रहे हैं। किसानों के को खुश करने के लिए अब कांग्रेस जिस रूट पे है क्या उस आंदोलन पे भी गौर करेंगे नहीं करेंगे, वो भी आपके सहयोगी हैं साथी, अगर आप आज कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कल ये आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। नहीं, अब कोऑपरेट तो इन्होंने कर ही दिया, आपने देखा है कि 85,000 करोड़ का घाटा देके जो कोऑपरेशन देके गए थे ये, उसको भी बिजली दरों में बढ़ोतरी के बावजूद भी कम नहीं किया जा रहा है, यानी कितना मैनेजमेंट बीजेपी की सरकार को करना पड़ रहा है उसके बावजूद, दरें बढ़ने के बावजूद भी, और जो किसानों को राहत ये दी है, ये सैकड़ों करोड़ रुपए का लाभ उसमें मिला है कि 5 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा, तो उसका भी क्रेडिट ले लेना चाहते हैं। 11 लाख किसानों को फायदा होगा। बड़ी बात यह है कि जो ये लोड बढ़ाने की बात को लेकर और दर बढ़ाने वाली दोनों मिला, नहीं मेरा मैं एक हंसी में टालने वाली बात नहीं है, कांग्रेस अभी ये जो एजेंडा आप लोग लेकर के आए हैं बेशक किसान इससे खुश हों, लेकिन अभी आपके प्रतिपक्ष की मुख्य पार्टी वो खुश नहीं है और वो कह रही है कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा, सरकार को जो राहत देनी चाहिए थी वो नहीं दे रही है, तो आप लोग किसानों की ज्यादा परवाह कर रहे थे या अभी आपके प्रतिपक्ष के जो साथी हैं उनकी भी परवाह करेंगे, इस पर और कुछ गौर फरमाएंगे, रिव्यू करेंगे कुछ? आपने देखा है कि इस जेन्युइन डिमांड को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया, और इसका कारण यही है कि जो वास्तविकता में आवश्यकता है किसानों के हित में जो फैसला लिया जाना है उसको इस क्रेडिट गेम से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। सरकार ने बावजूद घाटे के, जो सीधा सीधा रास्ता होता है घाटे को कम करके प्रबंधन बनाने का, बिजली की रेट को ठीक करने का, चीजत को कम करने के उपाय करने का, वो सारे उपाय हुए हैं, लेकिन जो सबसे त्वरित प्रभाव से कार्रवाई करी जो कमेटी बनाई गई है वो भी उनकी सुनवाई 15 दिन में कर देगी, तो कोई प्रॉब्लम किसान की रहेगी नहीं। अगर उसमें भी ये बात आती है कि किसी जगह पर लोड पे लेकर अभी भी संकट चल रहे हैं या इसकी रेट को और कम किया जाना चाहिए, तो वो भी नियामक आयोग की अपील के उसके याचिका के आधार पर फैसला हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस विषय पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि कहनी पड़ेगी कि बजट के समय पर अगर ये बात जानते हैं कि बीजेपी को क्रेडिट लेनी थी और इनके आंदोलन का परिणाम नहीं था, तो बजट तो सीधा सीधा प्रस्ताव सरकार करती है, उससे पहले अभिभाषण जो होता है माननीय राज्यपाल जी का, उसी में अगर इसकी चर्चा हो जाती तो क्रेडिट भी पूरा मिलता और इनके आंदोलन की बात भी खत्म हो जाती। लेकिन इस बात का भी इन चीजों से ऊपर उठ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ऊर्जा मंत्री जी ने देखा और इस विषय को त्वरित निस्तारित किया, मुझे लगता है इसी बात की प्रशंसा होनी चाहिए। किसान जो है उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी चुनाव लड़के जीतने वाली है, प्रबंधन के नाम पे अगर कठोर फैसले लेने पड़ते हैं तो भी वो उनके हित में लेती है जिन लोगों को इनका लाभ दिया जाना है। चलिए, लेकिन एक चीज जरूर होगी योगेंद्र जी, सत्तारूढ़ दल ने चुनाव में वायदा किया था कि हम बिजली की दरें अतार्किक रूप से नहीं बढ़ाएंगे, मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने मान लिया
इन्होंने जो बिजली दरें बढ़ाई थी वो अतार्किक बढ़ाई थी, इसलिए इनको विड्रॉ करनी पड़ी। चलिए इस बात को मानते हैं। मैं इसे एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद में गिरिराज जी के पास में आऊंगा। 5 साल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की सरकार ने 1 रुपया कृषि कनेक्शनों पर नहीं बढ़ाया, किसी भी तरह के कोई चार्ज नहीं बढ़ाए। और मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव आने वाले थे, सोनिया गांधी जयपुर में आई थी और उन्होंने अमरूद के बाग में अनाउंसमेंट किया था कि आगामी 5 साल तक किसानों पर किसी भी तरह का भार नहीं आने देंगे और कोई रेट्स नहीं बढ़ेंगे। बिजली महंगी हुई, हर चीजें महंगी होती चली गई, तनख्वाहें बढ़ी इनके दौरान, उस दौरान इन्होंने भी डीए वगैरह सब कुछ बढ़ाए भी, वहां पे कंगाली के हालात से डिस्काउंट चल रही हैं। ये क्या माना जाए, केवल एक बस वोट बैंक की वजह से इतना बड़ा निर्णय लिया जाना चाहिए, या वर्तमान सरकार ले या पूर्ववर्ती सरकार ले, कि इसे कहीं तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि ऐसे ही कहीं पे भी चला देंगे? आम जनता क्यों भुगते कि केवल एक किसान भी तो आम जन में है, मात्र बस इस वजह से कि देखिए हमने किसानों के लिए वो नहीं किया। देखिए इसमें तो कोई बात दोहराई नहीं है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकसित किया जाता है वो कहीं ना कहीं लागत मांगता है, और लागत मान ली ये तो एक जरिया है। अगर दूसरी तरह से परिभाषा करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये नहीं देखा जाता, सुविधा को ज्यादा देखा जाता कि आम जनता की सुविधा क्या है, ये नहीं देखा जाता कि इससे इनकम कितनी है, ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा ये है कि जो आपने जो तंत्र खड़ा किया है, मौजूदा जो तंत्र किया है, आपने उसे कितना सुदृढ़ किया है, उसको कितना व्यवस्थित किया है, ये वाली जो चीज है वो भी आप नहीं कर पाए हैं। स्थिति क्या है कि आपको कहीं जो आपने बताया कि ये जो बिजली चोरी हो रही है, बिजली चोरी के लिए आपने अब तक क्यों प्रयास नहीं किए, जैसे कि बता भी रहे थे कि 40% तक मतलब बिजली चोरी होती, चीजें में निकल जाती, चोरी भी अलग है, चीजें तो अलग है, इन सब चीजों को अभी तक आप नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी क्षतिपूर्ति आप या तो ऋण के रूप में ले रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार दे, लेकिन वो जनता का है पैसा। तो विश्व बैंक के जो प्रतिनिधि कल परसों ही आए हैं और उनसे डिस्कशन हुआ है, तो आप ये ड्रोन से लेकर के आप इसको किसी संस्था को चलाएं और ये हमारा तंत्र को विकसित करें, तो ये ठीक भी नहीं है। आदर्श स्थिति तो ये है कि इसमें सभी वर्गों को शामिल करके ये देखा जाए कि भैया देखिए ऐसा है कि कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने ये संस्था खड़ी, आपके हित की बात करते हैं, इस हित के लिए आपको भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वो वाला डेवलप नहीं, इसको वोट बैंक के रूप में मतलब कहते किसानों की बात कर करके, और ये मतलब क्या कहते आप गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, बिजली कंपनियों का जो सबसे बड़ा घाटे का कारण रहा है वो भी राजनीतिक इच्छा शक्ति और वोट बैंक पे किसी तरह का ग्रहण ना लगे, यही एक बड़ी वजह रही है। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल है। अब जैसे आप ये देखिए कि पंजाब के चुनाव के अंदर जिससे अकाली दल ने ये मुद्दा बनाया था मुफ्त में बिजली देंगे, हाँ? अरे भाई मुफ्त बिजली कहां से दोगे, बात आप कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं कि आप हर आदमी को मुफ्त चीजें देने की कोशिश करेंगे, तो उसमें मतलब क्या कहते हैं स्वावलंबन की भावना नहीं आएगी। खैर ये तो देखिए चुनावी वादे होते हैं, 25 रुपए किलो में घी जो रामदेव बाबा की मिट्टी नहीं आती है, 25 रुपए किलो में जो बेच रहे हैं वो घी देने की तैयारी कर रहे हैं। खैर ये एक अलग विषय है, ये चुनावी वादे हैं और ये गले उतरने वाली बात नहीं है, लेकिन ये कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि बाद में अमित शाह साहब की तरह कहा जाता है कि ये सब चीजें चुनावी होती हैं और इन पे कोई यकीन ज्यादा नहीं करना चाहिए, और जनता मान के भी चलती है कि ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन जनता भोली है, वो विश्वास करती है कि काश ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, इनके पास कोई नई तकनीक होगी शायद इससे ऐसा करेंगे। गिरिराज गर्ग साहब मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि घाटा जो बिजली कंपनियों का हो रहा है और अधिकारी जो तर्क दे रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार और पड़ेगा 25 पैसे कम करने की वजह से ही, हो सकता है उनकी बात पे यकीन भी किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ पे ये आदत क्यों नहीं डाली जा रही है कि अगर हम खाना खाएंगे बाहर रेस्टोरेंट पे तो उसके पैसे देने भी होंगे आपको? नहीं योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जो मैनेजमेंट है कांग्रेस की जब सरकार थी लगातार घाटा बिजली बढ़ रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर शोर से कहती थी कि कांग्रेस चूंकि भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, जो बिजली विभाग का भ्रष्टाचार है उसको खत्म नहीं कर पा रही है, इसलिए ये घाटा बढ़ता जा रहा है। आज 3.25 साल का शासन इनका हो गया, 3.25 साल के अंदर इन्होंने लगातार हर साल दरें बढ़ाई और हर साल दरें बढ़ाते बढ़ाते ये लगभग 35-40% के लगभग ले गए, उसके बावजूद घाटा भी बढ़ रहा है, मतलब पैसा भी बढ़ा रहे हैं आम आदमी के ऊपर किसान के ऊपर और घाटा भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें देखिए आप।
अगर रेटे कम होता तो कांग्रेस इसे तर्कसंगत मांग सकती थी। निश्चित रूप से अगर रेटे बढ़ाने के बाद घाटा वही रहता या घाटा कम होता तो ये माना जा सकता था कि इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और हो सकता है कि हमारे में कोई कमी रही होगी, लेकिन लगातार घाटा भी बढ़ रहा है और रेटे भी बढ़ रही है और भ्रष्टाचार के ऊपर ये लगाम लगा नहीं पा रहे हैं। जैसा अभी आपने कहा कि बिजली मंत्री ने तीन तीन बार सोशल ऑडिट के लिए चिट्ठियां लिख दी, अधिकारियों की लगातार मीटिंगें हो गई, लेकिन अधिकारियों के कानों पे जू नहीं रह रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की फेलियरनेस तो असफलता तो साफ दर्शाती है। जैसा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने अपने शासनकाल में कांग्रेस ने किसानों के हित का ध्यान नहीं रखा, अभी तीन साल के अंदर जितना खराबा कांग्रेस का वो किसानों का हुआ राजस्थान में, तीन तीन बार गिरदावरी कराई, उसके बावजूद किसान को जो खराबा हुआ था उसका मुआवजा उसका लाभ नहीं मिल पाया राजस्थान में। किसान को मात्र कई बार मीडिया के अंदर आया पांच पांच और पंद्रह पंद्रह और पचास पचास रुपए के चेक सरकार ने एक लॉलीपॉप के रूप में उस किसान को देने का प्रयास किया, जबकि उसका खराबा जो हुआ था वो कहीं बहुत ज्यादा था, उससे वो टूट गया था। महेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि नोटबंदी के कारण, रामपाल जी ने कहा किसान की स्थिति जो हो गई थी उस किसान की स्थिति, फसल का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा था, पैसा उसके पास था नहीं, समय के ऊपर उसको बीज नहीं मिला, समय पे खाद नहीं मिली क्योंकि पैसा नहीं था। राजस्थान की सरकार अगर किसानों की इतनी हितैषी थी उस समय व्यवस्था करनी चाहिए थी कि किसान को पैसे की यदि आवश्यकता है तो किसान को पैसा सरकार देगी उसको फसल के उपचार। गिरिराज जी, सवाल हमारा जो था ये था कि बिजली की आप लोगों ने पांच साल तक दरें नहीं बढ़ाई, घाटा बढ़ता चला गया, तो कहीं इसे ये भी कहा जा सकता था कि किसानों को इस रेसो में हम फेज में ये विद्युत दरें अगर बढ़ेंगी आमजन से हम अलग हट करके बढ़ाएंगे, हमने तो बिल्कुल फ्री वाला ही काम कर दिया कि जो मिल रही है बस उससे एक रुपए भी हम आगे नहीं लेंगे। देखिए ऐसा क्यों, आपने जो कहा अभी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में जिस तरह के जुमले दिए थे और फिर इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव के समय उनके तो छोड़िए सुने, अरे सुने तो हमने नहीं, नहीं, हमने उन्होंने भुगत नहीं, नहीं हमने हमने जो है हमने जो जनता को वादा किया था, जनता को जो कहा था उसके ऊपर हम कमिटमेंट के साथ खड़े उतरे और हमने वो कमिटमेंट जनता को विश्वास, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो जनप्रतिनिधि होता है उसकी जबान पे विश्वास होता है, साख होती है। अगर कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री यदि कोई बात कहता है तो उसके ऊपर जनता विश्वास करती है, वोट देती है। और यदि सहमत हूं सर आपकी बात, योगेंद्र जी तो इतना सा जानना चाह रहा हूं कि लेकिन ऐसा बड़प्पन या विशाल हृदय का भी कोई औचित्य नहीं ना, तो उधार लेकर घी पी रहे हैं। आपने देखा होगा उसके बावजूद राजस्थान के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में विकास हुआ, ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई ऊर्जा के क्षेत्र में, जबकि किसान के ऊपर पैसा नहीं बढ़ाया था, हमने नए नए ना ऊर्जा के ना स्त्रोत लगाए, ये सब काम जो है वो उसके बावजूद किया, जब किसान को हमने कमिटमेंट के साथ कहा था कि पैसा नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ या आम आदमी को राहत नहीं मिली, लेकिन ये कहना खाली कि 85,000 का कर्जा साढ़े तीन साल के शासन के बाद भी यही हम गाते रहेंगे, तो जनता इसलिए मतदान नहीं दिया था, जनता ने इसलिए इतना बड़ा मैंडेट नहीं दिया था आपको कि आप साढ़े तीन साल बाद भी उन्हीं रोजनों को रोगे, वही आंसू बहाओगे और वही कहोगे कांग्रेस ने ये किया कांग्रेस ने। अरे कांग्रेस ने जब कुछ कमियां थी जब ही तो शासन आपको मिला, वरना शासन जनता आप पर विश्वास थोड़ी करती, आपने टोटल विश्वासघात किया जनता के साथ। चले आपको समझा रहे हैं मनीष पारिक साहब, आप लोगों को आगाह कर रहे हैं, समझिए आप लोग, इन्होंने अपनी कमजोरी को समझा है। इनका साफ कहना है कि चले हमसे जो भूल हुई चूक हुई हम लोग कर्ज को बढ़ाते चले गए, लेकिन आप लोग भी टैरिफ बढ़ा करके कर्ज कम नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है। बिजली क्यों नहीं दी ये जो बीजेपी 20 से 22 घंटे बिजली दे रही है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कर ली, उस समय बिजली क्यों नहीं दी जब किसानों ने डिमांड उठाई थी कि हमको बिजली चाहिए, जब इन्होंने कहा 8 घंटे 22 घंटे बिजली नहीं दे रहे थे, 20 से 22 घंटे तक बिजली, 8 घंटे भी किसान को बिजली नहीं मिल रही है राजस्थान में, रामपाल जी बैठे हुए हैं कांग्रेस, ये रामपाल जी बैठे हुए हैं, 8 घंटे भी नहीं मिल रही है बिजली, आप झूठ बोल रहे हो 22 घंटे सरासर आपका असत्य कथन है, ये असत्य कथन है आपका, ये किसान सभा के बोल रहे हैं, ये बैठे हुए प्रतिनिधि, आप इनसे पूछ लो कि बिजली राजस्थान में किसान को कितने घंटे मिल रही है, आप यहाँ शहर में रहकर और ये महसूस करेगा 22 घंटे किसान को बिजली मिल रही है ये संभव नहीं है, तो आप इनसे पूछ लो। चल मेरा सवाल है सर मनीष पारिक साहब, किसान ने किसान को कांग्रेस ने बिजली नहीं दी थी, चले चले मैं बीजेपी ने कहा था आपके आरोप पे, देखिए आप
आप इस वक्त हुक्मरान हैं साहब, आप शासकीय दल के नेता हैं इस वक्त, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोई विपक्षी दल का काम केवल पत्थर फेंकना ही है क्या? हाँ, कोई लॉजिकल है? नहीं, आपने तो फूल फेंके थे, आपने तो शासन में थे तो फूल फेंके थे, आपने तो आरती उतारी थी, आप तो हर काम का विरोध करते थे, आप तो सड़कें खोलते थे, बिजली की कमी के नोटबंदी में पूरा राजस्थान का किसान आत्महत्या कर रहा है, देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, और आप कह रहे हैं हम किसानों का विरोध करेंगे। एक बार मेरी बात भी सुन लीजिए, मनीष पारिक।